हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। साबूदाने की रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आधा कप साबूदाने लिए हैं। आज हम साबूदाने की रेसिपी को बिना भिगोए बनाएंगे। तो बस हमें क्या करना है, साबूदाने को वॉश करना है। साबूदाने में मैंने पानी डाला है, अब इसका पानी हम निकाल देंगे। साबूदाने का मैंने पानी निकाल दिया है, बाउल को हम साइड में रख देंगे। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम एक चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को हम गर्म कर लेंगे। तेल की जगह पर आप घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं। तेल भी गर्म हो गया है, अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। तो जीरे तड़कने लगे हैं, 5 से 7 करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता भी तड़क गया है, अब इसमें मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च को मैंने इस तरह से लंबा कट किया है, आप चाहें तो इसे बारीक भी कट करके डाल सकते हैं। हरी मिर्च को चलाते हुए भून लेंगे। हरी मिर्च भी भून गई है, अब मैंने एक कच्चा आलू लिया है। आलू का छिलका उतार कर इसे इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। तो आलू को हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब मैंने एक बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, तो टमाटर को भी हम कढ़ाई में ही डाल देंगे। अगर आप व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। टमाटर की जगह पर आप नींबू का रस यूज कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते को मैं व्रत में बना रही हूँ तो सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है, अब इसे हम कवर कर देंगे। कवर करके 2 मिनट तक आलू और टमाटर को पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे। आलू और टमाटर को मैंने हल्का सा भून लिया है। अब मैंने ये आधा कप मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली के दानों को मैंने रोस्ट कर लिया है, दानों का मैंने छिलका नहीं उतारा है, आप चाहें तो दानों का छिलका उतार सकते हैं। अब हमने जो साबूदाने वॉश करके रखे थे उसे भी हम कढ़ाई में ही डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को आप बिना व्रत के भी नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो मैंने मेजरिंग कप से 2 कप पानी लिया है। गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और इसे हम कवर कर देंगे। अब कवर करके इसे हम पकने के लिए छोड़ेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि जो खिचड़ी है कढ़ाई में चिपके नहीं। साबूदाने के इस नाश्ते को मैंने 8 से 10 मिनट तक पका लिया है। बीच बीच में मैंने इसे चलाया था ताकि जो नाश्ता है कढ़ाई में चिपके नहीं। 8 से 10 मिनट के बीच में अगर नाश्ता नहीं पकता है तो इसे आप और पका सकते हैं। साबूदाने के इस हेल्दी नाश्ते को गर्मा गर्म मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। हरी पत्ती धनिया से इसे और गार्निश कर लिया है। तो गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हेल्दी रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।